नमस्कार दोस्तों, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी का केक बनाना सिखाऊंगी। बच्चों को, बड़ों को, सभी को मीठा खाने का मन करता है, केक खाने का मन करता है, लेकिन हम बाहर से केक नहीं ला सकते हैं और कई बार घर में मैदा अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आज आपको सूजी से केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ ही बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूजी का केक बनाना। इसके लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए एक कप सूजी चाहिए। ये सूजी मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये एक कप सूजी है। इसके साथ में मैंने एक कप दही लिया है। ये एक कप चीनी है जिसको बारीक पीस लिया है। ये बेकिंग पाउडर है जो कि एक छोटा चम्मच है और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों की ही जो मात्रा है उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये रिफाइंड ऑयल लिया है आधा कप। आप कोई भी फ्लेवर ऑयल नहीं लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आप सरसों का या कोई और तेल का यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही आधा कप दूध लिया है जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूजी का केक बनाना। सबसे पहले मैं एक कप दही ले लूँगी इस बाउल में। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़ें। ये दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमारी एक कप चीनी है पिसी हुई, उसको डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर ही आपको मिक्स करना है। यदि आप एक साथ डाल देते हैं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसलिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा बैटर है उसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो हमारी सूजी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये भी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डाल के इसको मिक्स करना है। हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है इस पर केक नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसे पतला करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। क्योंकि हम सूजी का केक बना रहे हैं तो इसलिए हमने अभी इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को ऐड नहीं किया है, क्योंकि सूजी को मिक्स होने में टाइम लगता है। इसलिए हम इसे अभी 20 मिनट तक ढक कर छोड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को डालेंगे। यदि हम इस टाइम पे इसमें डाल देते हैं तो जो सूजी का केक है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता, उसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं होता है। तो जो भी लोग सूजी का केक बनाते हैं, अक्सर जब उनका केक ख़राब होता है तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप उसमें उसको थोड़ी देर के लिए रखते नहीं हैं। उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस कंसिस्टेंसी पे मैं इसको आधा घंटे के लिए ढक कर रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है और देखिए, ये जो सूजी है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे। मैंने सिर्फ आधा कप दूध ही इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने पहले डाला था और बाकी अभी डाला है। अब मैं इसमें 2-3 बूंद वैनिला एसेंस डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो
आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वो भी। अभी इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और लगभग आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी। मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको बैटर को इस तरीके से फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है। मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अगर आप माइक्रोवेव में पका रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 35 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। मैंने एक प्लेट में पहले से बटर लगाकर उस पर आटा छिड़क लिया था। अब इस बैटर को मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। और इसे सीधे ओवन में रख दूँगी लगभग 35 मिनट्स के लिए। ये देखिए, हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। इसे लगभग बनने में 35 मिनट्स लगे हैं और ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसे चाकू की सहायता से ऐसे कॉर्नर से इस तरीके से निकाल दूंगी ताकि ये डीमोल्ड आसानी से हो जाए। और एक प्लेट हम लेंगे और इस तरीके से डीमोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। और ये देखिए, जो केक है पूरी तरीके से अच्छे से बन गया है। देखिए कितना अच्छा केक बना है, कितना स्पंजी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैं आपको इसके पीसेस करके बताती हूँ। स्पंजी केक बना है और पूरी तरीके से सिक भी चुका है और बहुत स्पंजी केक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको सभी को बहुत पसंद आएगा।